फेसबुक और व्हाट्सएप के आधुनिक युग में समय के मायने बहुत बदल गए हैं। बाजार समय बताने वाली तमाम तरह की हाईटेक घड़ियों से पटा पड़ा है, लेकिन आज से कई दशक पहले समय का पता इतनी आसानी से नहीं लगाया जा सकता था। तब टिक टिक करने वाली घड़ियां भी गिने चुने लोगों के पास ही होती थी। ऐसे में लोगों को सही समय धूप घड़ी बताती थी। एक ऐसी ही प्राचीन धूप घड़ी हमीरपुर के कलेक्ट्रेट में लगी है, लेकिन सटीक समय बताने वाली इस धूप घड़ी का आजकल खुद ही समय खराब चल रहा है, क्योंकि मौजूदा दौर में ये प्राचीन धरोहर उपेक्षा का शिकार है। आज इस ऐतिहासिक घड़ी की किसी को भी कोई फिक्र ही नहीं है। 1818 में अंग्रेजों ने समय की वो कद्र करते थे, इसीलिए उन्होंने धूप घड़ी को एस्टेब्लिश किया था कि हर खास और आम धूप घड़ी से कम दिन में तो समय का मापन कर सके और अपनी दिनचर्या को उसके अनुसार ढाल सके। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये किसी भी क्षण इसको कोई तोड़-ताड़ के ले जाएगा और ये वर्ष एक हमारा एसेट जो ब्रिटिश कालखंड में समय को शीर्ष स्थान पर रखते हुए एस्टेब्लिश किया गया था, तो इस काल के गाल में समा जाएगा। सन 1815 में अंग्रेजों द्वारा जब हमीरपुर जिला बनाया गया तो समय की महत्ता को देखते हुए उन्होंने इस धूप घड़ी की स्थापना की, लेकिन मौजूदा दौर में ये धूप घड़ी जिला प्रशासन की उपेक्षा का शिकार है। आए दिन इसको को अराजक तत्व तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी सवाल पूछने पर कैमरे के सामने जवाब देने से कतराते हैं। हमीरपुर से ईटीवी भारत के लिए अमित मिश्रा।